हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतिम मूवी की एक्ट्रेस महिमा मकवाना की। तो इनका पूरा नाम महिमा मकवाना है और निकनेम माही है। इनका जन्म 5 अगस्त 1999 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ। फिलहाल ये 24 साल की है। इनकी मम्मी का नाम मीना मकवाना है और इनकी माँ एक सोशल वर्कर है। इनकी फैमिली में इनके भाई, भाभी और इनकी माँ है। इन्होंने मैरी इमैक्युलेट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से अपनी शिक्षा प्राप्त की है और ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से BMM कंप्लीट किया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की थी, जब ये 10 साल की थी। तब से ये चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम करने लग गई थी। अब महिमा मकवाना के घर की बात की जाए तो इनका मुंबई में ही खुद का एक अपार्टमेंट है, जो कि काफी बड़ा और सुंदर भी है। रही बात इनके रिलेशनशिप स्टेटस की, तो इंटरनेट पर कुछ ऐसे रूमर्स थे कि ये अंकित शिवाज को डेट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया और कहा कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। 2008 में इन्होंने टीवी डेब्यूट किया, जिसमें कि मोहे रंग दे कलर्स टीवी पर ही एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस दिखाई दी। 2008 के बाद ये CID, आहट, मिले जब हम तुम, झांसी की रानी, इन सभी में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस दिखाई दी। 2009 में कलर्स टीवी पर बालिका वधू में गोरी का रोल निभाती हुई दिखाई दी और इन्होंने सवारी सबके सपने प्रीतों में भी अपनी भूमिका अदा की है। उसके बाद 2012 में सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में इन्होंने रचना का रोल निभाया, जो कि इन्होंने बताया कि वो इनके लिए काफी अच्छा सिद्ध हुआ, इसकी वजह से काफी फेमस भी हो गई। 2015 में इन्होंने दिल की बातें दिल ही जाने में काम किया, लेकिन ये सीरियल काफी ज्यादा फेमस न होने के कारण बंद हो गया। तब इन्होंने 2015 में अधूरी कहानी हमारी में काम किया, जो कि एक अच्छा सीरियल रहा। उसके बाद इन्होंने शुभारंभ, प्यार तूने क्या किया, रिश्तों का चक्रव्यूह आदि सीरियल्स में काम किया और अपना नाम बनाया। और गाइस, महिमा मकवाना ने 2017 में तेलुगु मूवी में डेब्यू किया, जिसमें कि वेंकटप्पू में इन्होंने ऐसा हीरोइन रोल प्ले किया। उसके बाद इन्होंने काफी सारी वेब सीरीज की, जिसमें रंगबाज सीजन 2 2019 में और फ्लैश 2020 में दिखाई दी। इसके बाद 2021 में ये तेलुगु मूवी मोसागल्लू में नजर आई और फिर 2021 में इन्होंने सलमान खान और आयुष शर्मा के साथ अंतिम द फाइनल ट्रुथ में बॉलीवुड मूवी के साथ डेब्यू किया और इस मूवी में काफी पसंद की जा रही है और इसी मूवी के साथ ये काफी फेमस भी हो रही है और इन्हें इस बात की काफी ज्यादा खुशी भी है। अब महिमा मकवाना की इनकम की बात की जाए तो दोस्तों, ये पर एपिसोड पर 55,000 से 60,000 रुपए चार्ज करती है और मूवी में काम करने के लिए ये पर मूवी 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। चलिए अब महिमा मकवाना की कुछ पसंद के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इनको सोनू निगम और श्रेया घोषाल सिंगर काफी ज्यादा पसंद है। ये एक एनिमल लवर है, इन्हें डॉग और कैट काफी पसंद आते हैं। इनका फेवरेट कलर व्हाइट, ब्लैक और रेड है, तो ये इसमें काफी ज्यादा सुंदर भी लगते हैं। महिमा मकवाना की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास एक मारुति सुजुकी, एक BMW और एक हुंडई है, जो कि इनकी काफी पसंदीदा कार है। और वहीं इनकी फेवरेट्स मूवी की बात की जाए तो कल हो ना हो 2003 में जो रिलीज हुई थी और चक दे इंडिया जो 2007 में रिलीज हुई थी, इनकी काफी फेवरेट बॉलीवुड मूवीज हैं। अब बात करते हैं महिमा मकवाना के नेटवर्थ की। तो दोस्तों, महिमा मकवाना के नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए। अब इनके फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको महिमा मकवाना कैसी लगती है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।